ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सकल से स्कूल खुल रही है तो क्या कुछ तैयारी समीक्षा कुछ हुई? बिल्कुल, देखिए जो कल से 9 से 12 तक की हमारी स्कूलें खुल रही हैं उसके लिए SOP जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके जो कोरोना बिहेवियर है उसकी पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहाँ व्यवस्था रहेगी, मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा, टीचर सब के सब जो है वो दो दो उनको लगी होनी चाहिए, और बैठने की जो व्यवस्था है एक क्लास में 15-20 का जो भी हमारा गाइडलाइन है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सिलेबस को भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है, तो हम कल तक उसको भी भिजवा देंगे कि भाई 30% आप सिलेबस कम कीजिए, 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई। अब जब हम सितंबर में आ गए और जून से जब स्टार्ट होती है क्लासेज तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के कारण से जो पढ़ाई बाधित हुई है और आगे कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आए, आगे ईश्वर ना करे लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है और हमने हर मंथली इसके टेस्ट वगैरह रखे हैं जिससे जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस उसकी बुद्धि का कैसे कर सकें, उसकी क्षमता का कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं जिससे अगर 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स या किसी भी क्लास की एग्ज़ाम अगर हम नहीं करा पाएँ तो पीछे हमारे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि उस बच्चे में कितनी क्षमता और उसको कितने प्रतिशत तक अंक आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोरोना गाइडलाइन केंद्र सरकार की भी जारी होगी छोटी स्कूलें खोलने के लिए। ICMR से भी हमें संपर्क कर रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, बार बार विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि 9 से 12 खोलने के बाद में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद में हम आगे का निर्णय करें। CBSE की स्कूल की जांच के लिए यहां बच्चों के साथ में किसको की बहुत लंबे समय बाद में स्कूल खुल रहा है, कुछ सडन इंस्पेक्शन या कोई? नहीं, वो तो देखो पूरे अधिकारी इसकी इंस्पेक्शन भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, हम लोग भी यहाँ से तमाम PO, CBO, DO, CDO उनसे सबसे हम लोग जो है NIC के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और रोज़ाना हमारे जो अधिकारी हैं DO है, CDO है, CBO है, ADPC है, ACBO है, इन सब लोग स्कूलों में जा कर के और जांच भी करेंगे और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग विभाग की तरफ से आग्रह करेंगे कि आप भी इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि उसके स्वास्थ्य के प्रति हम सजग हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए हम लोग उस बच्चे को शिक्षा देंगे। देखिए वो तो स्टेट की स्कूल ओपन है तो फिर कोई अलग से CBSE बोर्ड कोई अलग से जारी नहीं करता, मैं समझता हूँ जिस स्टेट में जब स्टेट की SOP जारी हो जाती है तो वो सब स्वतंत्र हैं, उनकी एग्जाम क्या होगा, उनका पाठ्यक्रम कितना प्रतिशत कम ज़्यादा होगा वो फिर CBSE बोर्ड का अपना काम है। हमने हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का करने के लिए हमने यहाँ से सरकार से निर्णय कर